नमस्कार, मेरे पीछे बब्बर दंपत्ति की फ़ोटो है जो सहारनपुर के रहने वाले थे। कर्ज में डूबकर इन लोगों ने 10 अगस्त 2024 को आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या इन्होंने उस देश में किया है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी वनवास होने के बाद अपनी चुनौतियों को स्वीकार किया, जहां हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हुए 1576 में हार जाने के बाद भी महाराणा प्रताप ने फिर से मुकाबला करने की शक्ति बटोरी। और छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी राजा हुए हैं, कभी वह शासन करते रहे हैं, कभी नहीं, कभी हार गए, कभी उन्हें जंगल में रहना पड़ा। क्या आपने कभी सुना कि अपने वैभव, अपनी शासन, अपनी सत्ता, राज्य को खो देने के बाद किसी राजा ने इसलिए आत्महत्या कर लिया हो कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं? बल्कि उस राजा ने, जिसके पास सब कुछ था, अपना राज्य था, उसने हिम्मत बटोर कर फिर से जीने का प्रयास किया होगा। आप और हम अब राष्ट्र राज्य की कल्पना में एक देश में रहते हैं जहां का अपना संविधान है, जहां पर सरकार है। आप सरकार को यह बताइए कि आपके जीवन के सामने ऐसी चुनौतियां हैं, आपको आत्महत्या करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान का प्रस्तावना यह कहता है हम भारत के लोग, हम में सरकार भी आती, आप भी आते हैं। आप राम को प्रेरणा मानकर चुनौतियों का सामना करिए। अगर आप राम के देश में रह रहे हैं तो आत्महत्या विकल्प नहीं है, उसका समाधान विकल्प है।